हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के गुनगुन मैम। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी 9th क्लास की, जो मैंने जितना भी एसएसटी का पोर्शन आप लोगों को पढ़ा दिया है, जैसे लोकतंत्र, संविधान, उसके अलावा पालमपुर गांव और ज्योग्राफी का जितना भी पार्ट बता दिया है ना, तो आप लोगों को सब समझ आ चुका है। तो आज हम टेस्ट लेने जा रहे हैं संविधान वाले चैप्टर में से। टॉप 10 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लाऊंगी और आप लोग उसका जवाब दोगे। ये ऑफलाइन क्लास है, तो जो यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हैं ये भी जवाब देंगे इन क्वेश्चंस का। और अगर आपको जवाब पता होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप कॉपी पेन लेके जवाब को साथ में लिखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम टेस्ट शुरू करते हैं। टेस्ट है किस चीज का? संविधान का, है ना। संविधान का टेस्ट होने जा रहा है फर्स्ट टाइम, तो इसमें हमने टॉप 10 क्वेश्चंस रखने हैं। कितने? टॉप 10 क्वेश्चंस हमने रखने हैं इसमें। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन यही है तुम्हारा कि संविधान क्या है। क्या बोलो जोर से क्वेश्चन, संविधान क्या है? ठीक है, पहले मैं इसको दो पार्ट्स में कर लूं, डिवाइड इस बोर्ड को। अब ठीक है, बताओ संविधान क्या है? बताओ गीतांजलि, संविधान क्या है? कानून, ठीक है, हाँ, जो संविधान है वो देश के लिए कानूनों की एक किताब है, देश के लिए कानून से जुड़ी एक किताब है, जिसमें देश की शासन व्यवस्था कैसे चलाई जानी है इसका वर्णन होता है। ठीक है, देश के लिए कानून की एक पुस्तक, जिसमें देश की शासन व्यवस्था को ज्यादा महत्व दिया जाता है ना। ब्रैकेट में लिख लो शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हो गया, उसको कितना टाइम लगा बनने में, भारत का संविधान बनने में। ये आंसर मैं रब कर देती हूँ, क्योंकि तुम्हारा तो टेस्ट है, तुम लिख के दिखाओगे, है ना। चलो, जो भारत, सेकंड क्वेश्चन है, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा, कितना समय लगा? चलो बताओ, किसको पता है इसका आंसर? अनन्या बताओ। 2 साल 11 महीने 18 दिन। कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, ये टाइम लगा भारत के संविधान को बनने में, कितना? 2 साल 11 महीने 18 दिन। उसके बाद नेक्स्ट है, संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हो गया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, भारत का संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट है, जो संविधान है, संविधान को किसने बनाया? बताओ किसने बनाया? पता है किसी को किसने बनाया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है, जिसने भी संविधान को बनाया किसने बनाया, क्या नाम था उस कमेटी का? बोलो, संविधान सभा। तो संविधान सभा ने संविधान को बनाया था, ठीक है। तो संविधान सभा में कितने सदस्य थे, कितने
सदस्य थे, बताओ कितने सदस्य थे? कितने? 234। गलत। 299 सदस्य थे संविधान सभा में। कितने सदस्य थे सोनिया? कितने सदस्य थे? 299, है ना? इतने सदस्य संविधान सभा में थे। इसके अलावा ये कितने सदस्य था पता चल गया। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? संविधान सभा में मार्कर ही बंद हो गया। संविधान सभा के, संविधान सभा के स्थाई सदस्य कौन, स्थाई जो अध्यक्ष थे, स्थाई अध्यक्ष कौन थे पता है किसी को? और संविधान सभा के, संविधान सभा के अस्थाई सदस्य अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे बताओ? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे और स्थाई अध्यक्ष कौन थे बताओ? हंसिका नहीं पता, नहीं पता, तुम बताओ सोनिया। अस्थाई अध्यक्ष नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्थाई अध्यक्ष थे ही नहीं। स्थाई अध्यक्ष तुम्हें नहीं आता है ना, तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं बाद में बताऊंगी। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष पता है? नहीं पता, ये भी क्वेश्चन मैं लास्ट में समझाऊंगी। सेवंथ है, सेवंथ क्वेश्चन। अभी तुम लोगों ने सिर्फ पांच चार क्वेश्चनों का आंसर दिया है, छह क्वेश्चंस में से कितनों का बोलो जल्दी, कितनों का दिया है? चार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के, संविधान सभा के अलावा एक समिति बनाई गई थी, क्या नाम था उस समिति का? संविधान सभा के अलावा प्रारूप समिति, इसको क्या कहते हैं? ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं इंग्लिश में। प्रारूप समिति के जो, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के? अध्यक्ष कौन थे पता है? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है बिल्कुल आंसर तुम्हारा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर हो गया कौन था, है ना? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी बताओ? किसको पता है, किसको पता है? अनन्या बताओ। 9 दिसंबर, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसके बाद संविधान सभा की लास्ट बैठक कौन सी हुई थी? संविधान सभा की, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, कब हुई थी? बिल्कुल गलत। 13 दिसंबर 1946 गलत है बिल्कुल। क्या है इसका आंसर? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? नहीं पता, बताओ। नहीं, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोगों का, संविधान की आत्मा क्या है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? किसको पता है? पता है? गलत। संविधान सभा की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। तो बताया तो था मैंने, वो तो मुझे भी ध्यान है। बताओ ये कि बताया क्या था, बताओ जल्दी। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं जिसमें से 3 आप लोगों को नहीं आते, 6 आप लोगों ने सही दिए जवाब और 1 कका अभी भी सोच रहे हो आप। जल्दी याद करो, संविधान सभा की आत्मा किसे कहा जाता है? नहीं पता? नहीं, गलत 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 गलत। संविधान के जो रूल्स रेगुलेशंस लिखे गए थे उन्हें कहते हैं संविधान की आत्मा। तो पूरे संविधान में ही है कानून, रूल्स, रेगुलेशंस। नहीं पता ना? चलो ये भी नहीं आता। तो पहले का क्या आंसर है? संविधान क्या है? संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है। बिल्कुल सही बताया इसने, संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें हमारे देश को चलाने के, मतलब हमारे देश में जो शासन व्यवस्था चल रही है उसको चलाने के रूल्स, नियम और अधिकार लिखे हुए हैं। संविधान सभा को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 साल। एक लिखित दस्तावेज, लिखित दस्तावेज। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? 2 साल 11 महीने 18 दिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, संविधान सभा ने बनाया। फोर्थ क्वेश्चन है, संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299 थे। फिफ्थ क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आप लोगों को पता है कि हमारे देश का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। उसके बाद है जो अस्थाई अध्यक्ष है संविधान सभा का, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष, उनका नाम क्या है? डॉक्टर सचिदानंद, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। क्या नाम था? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ये नाम था अस्थाई अध्यक्ष का, जो कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। ये 6 क्वेश्चंस के आंसर हो गए। ठीक है, 7th क्वेश्चन का आंसर है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे ये? कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। एट्थ क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी कब हुई थी, 24 नवंबर 1949, 24th of November 1949। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है और 10th क्वेश्चन है, पर बहुत जरूरी क्वेश्चन है, संविधान सभा की जो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, ऐसा क्या है जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। नहीं पता, जो संविधान की उद्देशिका है, उद्देशिका या फिर या तो उद्देशिका कह लो या फिर कह लो प्रस्तावना, याद आया उद्देशिका प्रस्तावना, याद आया कुछ, इंडेक्स जो कि 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष रखी थी, है ना। ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे जिनमें से आपने कुछ कुछ क्वेश्चंस ठीक बताए, कुछ कुछ क्वेश्चंस में थोड़ी दिक्कत और कुछ कुछ क्वेश्चंस तो आई नहीं आपको, और ये हमारे आंसर्स है जो कि आप पेपर में लिख के आओगे। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं, फिर बच्चे कहते हैं कि मैम ने सर ने पढ़ाया नहीं था, तो ये टेस्ट था तुम लोगों का। ठीक है, तुम लोगों के नंबर 10 में से 6 आए, 10 में से 6 नंबर आए तुम लोगों के। ठीक है, तो आज की क्लास यही खत्म होती है। ये इन लोगों का टेस्ट था, तो हमने आप लोगों के लिए भी एक टेस्ट तैयार कर लिया ऐसा ही। तो आप लोग इस टेस्ट को घर पर सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।